अपने ऐप के बारे में बताइए, आपने जो एप्लीकेशन जी। दरअसल आज की पीढ़ी संस्कृत को भूलती जा रही है। संस्कृत हमारी भाषा का बिल्कुल माता है हिंदी की, तो हम चाहते हैं कि इसका एडवर्टाइज करें। इसके लिए हमने खेल बनाया जिससे हम हमारी संस्कृति को और अच्छे से समझ पाए, ताकि हम ये जान सके कि हमारी संस्कृत भाषा कितनी उच्च स्तरीय है, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। आपको ये ऐप बनाने की प्रेरणा, एप्लीकेशन बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? दरअसल CBSE की तरफ से ऐसा कुछ आया था कि हम लोगों को संस्कृत में ऐप या खेल या ऐसे लिखना है, तो उसमें से जैसे गौरी ने ऐसे लिखा, हम लोगों ने एक ऐप या खेल बनाई और वो सुदेव से थर्ड प्राइज मिली अजमेर रीजन में। CBSE? हाँ जी। ये लोगों के किस काम, मतलब क्या काम आ सकता है, कितने उपयोगिता? हमने इसमें नॉर्मल जो भाषा है उसमें वर्ड ट्रांसलेशन दिया है। हमने बताया है कि जो रोजमर्रा के वर्ड्स होते हैं उसमें कैसे कि हमें हमारे हिंदी में बोले गए शब्दों को हम संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे, ये उसके लिए ऐप है, मतलब खेल है। उस खेल में कुछ प्रश्न पूछा जाता है कि इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, या फिर संस्कृत में उस चीज का नाम देके पूछा गया कि इसका क्या अर्थ है। अगर आपने सही उत्तर दिया जाता है तो आपको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और अगर आपने ऐसा करा है तो करेक्ट आंसर की स्क्रीन आती है। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो रॉन्ग आंसर की स्क्रीन आती है, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। ये कठिन भी हो सकता है क्या, जो संस्कृत अच्छी तरह से नहीं जानता उसके लिए? जी इतना भी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही बेसिक चीज डाली है। संस्कृत हमारे MP में 6ठी से 8वीं तक तो जरूरी है, तो हमने उस लेवल तक का तो दिया है, उस हिसाब से ही हमने ये चीजें ध्यान में रखी, तो उतना बेस तो आना ही चाहिए। आगे आप इस एप्लीकेशन के बारे में और क्या करना चाहते हैं? दरअसल ये ऐप हमने सिर्फ 4 दिन में बनाई थी, जल्दबाजी में, हमको इसके मार्क्स मिलने वाले थे, तो हम उस वक्त उसको एंड्रॉइड या मोबाइल के लिए बना नहीं पाए, लेकिन हमने उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बना रखा है। पर हम लोगों ने काफी कोशिश करी थी कि हम लोग उसे एक्लिप्स नाम के सॉफ्टवेयर के साथ बनाने की कोशिश करी थी हमने, पर हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें जावा और सी लैंग्वेजेस नहीं आती, और हमें पता चला था कि उसको बनाने में करीब 6 महीने लगेंगे और इतना हमारे पास वक्त नहीं था, तो इसलिए हमने उसे पावर पॉइंट के लिए बनाया। पर हम लोग अभी उसे सोच रहे हैं, जैसे अभी हमारे पास समय है, तो हम लोग सोच रहे हैं उसे और मोबाइल और एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के लिए।